हेलो गाइस, मेरा नाम है श्लोक। आप देख रहे हैं फास्ट वे और आज हम कंपेयर करने वाले हैं दो बहुत ही कमाल के फोन्स को 20,000 के अंदर। लाइक इन दोनों फोन्स ने काफी तबाही सी मचा रखी है। ये एमआई A2 और इसके हाथ में है ऑनर का प्ले। तो भाई एक चीज मुझे बताओ, कैसा लग रहा है ये फोन? यार एक्चुअली पकड़ने में बोलूं तो दोनों फोन्स लाइक ऑलमोस्ट प्रीमियम लगते हैं। मतलब मैं 30,000 के फोन बोलूंगा अगर खाली पकड़ के बोलूं, बट फ्रंट में आपको इसमें नॉच देखने के लिए मिल जाती है, ऑनर वाले में इसमें नहीं है। और लाइक वाइट वाइट में आपको स्क्रीन का बॉर्डर भी देखने के लिए मिलता है। फ्रंट में तेरे को कौन सा बढ़िया लगता है? फ्रंट में यार मेरे को जो दिखता है ना वो मेरे को ऑनर अच्छा लग रहा है। पता नहीं क्यों मुझे लग रहा है इसका जो स्क्रीन क्वालिटी है ना वो ज्यादा अच्छी है। तुम क्या कहते हो? यार स्क्रीन क्वालिटी मेरे को भी ऑनर में ज्यादा बढ़िया लगी, क्योंकि ना इसमें हल्की सी डल है और बॉर्डर जो देखने मिलता, मतलब यार ड्राइंग कर रहा हूँ उसमें बॉर्डर बनाना सही है, बट फोन की स्क्रीन में बॉर्डरलेस अपना बेजललेस वाला जमाना है वही बढ़िया चलता है। भाई एक चीज ये बताओ, ये जो नीचे इन्होंने चिन्ह दे दी है इसका क्या मतलब है? मतलब यार थोड़ा बड़ा डिस्प्ले कर देते काम चल सकता था। एक्चुअली डिजाइन ना पूरा लाइक रेडमी नोट 5 प्रो वाले उठाया इन्होंने, पहले ही बना दिया था फोन, उसके बाद बेजललेस आने शुरू हुए, इनको लाइक थोड़ा झटका सा लगा तब इन्होंने लॉन्च कर दिया कि भाई अब तो कर देते हैं। लेकिन अच्छा फोन है, मैं तब भी इसको बोलूंगा लाइक डिजाइन में पकड़ने में अभी भी ये प्रीमियम लगता है, क्योंकि पतला सा है बहुत। कैमरा बम्प है थोड़ा लेकिन स्टिल प्रीमियम। अच्छा इस लुक भाई छोटा सा क्वेश्चन ये है, कौन सा फोन यूज करते हो अभी? हाँ। अभी तो वन प्लस 6 यूज कर रहा हूँ यार। मतलब वन प्लस महंगा वाला फोन? ऐसा नहीं यार, वन प्लस एक्चुअली इसलिए यूज करता हूँ क्योंकि स्टॉक एंड्रॉइड है और काफी सारी चीजें नई नई, जैसे एंड्रॉइड पी अभी निकला वो चल जाता है, तो वो सब टेस्ट करना पड़ता है, इसलिए मैं वन प्लस 6 यूज करता हूँ। तो यार इन दोनों फोन का जो सबसे हाइप वाला है वो कैमरा लोग कहते हैं, क्या कहते हो कैमरे के बारे में थोड़ा बता दो यार, क्योंकि यार तुम्हारे चैनल पे मतलब बिल्कुल कैमरे वाली चीजें ज्यादा होती है। यार कैमरे का मैं सही बताऊँ तो अगर खाली एक फोन होता ना मेरे हाथ में, अगर जैसे ऑनर प्ले है मेरे हाथ में या फिर खाली MI A2 है, तो मैं उसका कैमरा बहुत ही अच्छा बोलूंगा। लाइक मिड रेंज में 20,000 के हिसाब से बहुत ही बढ़िया कैमरा दोनों फोन्स का। बट अगर कंपैरिजन की बात करें तो MI A2 का कैमरा बेटर है ऑप्टिमाइजेशन में भी, और इसमें डिटेल भी ज़्यादा है फ्रंट कैमरे में भी और बैक साइड वाले कैमरे में भी। ऑनर प्ले से हाँ आपको लाइक रात में कभी कभार ऑप्टिमाइजेशन का फायदा हो सकता है किसी किसी चीज़ में, बट लाइक जनरल अगर बात करें तो MI A2 का कैमरा लाइक हर चीज़ में ही अच्छा है। भाई एक चीज है, इसमें जब भी मैं फोटो क्लिक कर रहा हूँ ना वाइट वाइट हो जा रहा है, मतलब ज्यादा ही AI डाल दिया क्या? एक्चुअली यार ऑनर का तरीका ही है करने का, काफी टाइम से करते चले आ रहे हैं, इसमें ब्लू टिंट सा वाइटिश स्किन सी मिलती है, तो कुछ लोगों को पसंद आता है इंस्टाग्राम पे और म्यूजिकली में बढ़िया चलेगा अपने वीडियो बनाओ, बट जनरल अगर कोई भी ऐसे नॉर्मल फोटो ले रहा है तो मेरे को पर्सनली बहुत लाइक थोड़ा ऑफ लगता है कलर। तो डिटेल किसमें बहुत ज्यादा अच्छी है? डिटेल यार MI A2 में। यार ये जो प्रॉब्लम है ना ये बाहर निकला हुआ है, यदि फोन ऐसे रखे तो क्या होगा इसका? यार दोनों फोन्स में इसमें तो लिटरल पहाड़ से बना दिया उन्होंने, बट स्टिल यार ऐसा कुछ बहुत बड़ी दिक्कत नहीं है, कवर वगैरह तो लाइक लगाओगे तुम दोनों फोन्स पे। अच्छा यार एक चीज बताओ, ये जो इंडिया में मुझे गाने सुनने हैं तो यहाँ पर ये जैक मिलता है, लेकिन यार उसमें कट क्यों कर दिया गया है MI A2 में? मतलब ऐसा क्या हो गया कि उन्होंने पूरा उड़ा ही दिया? मेरे को भी ना ये बात नहीं समझ में आई, संचित ने भी ये बात बोली थी अपने वीडियो में कि मतलब जो हेडफोन जैक है अगर प्रीमियम फोन्स में हटा देता तब तो वो लाइक थोड़ा बनता भी है, हाँ। वायरलेस फ्यूचर की तरफ जा रहे हैं, बट ये तो यार मिड रेंज फोन में आ जाता है, इसमें हटाना बहुत ज्यादा तुक नहीं बनता, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बंदे होते हैं जो मिड रेंज में इनके पास होते ही नहीं वायरलेस हेडफोन। भाई सही बात वो है। काफी बंदे तो ऐसे होते हैं वो रिलाय करते हैं कि भाई अपने फोन के साथ जो आ जाएगा वही यूज कर ले। यार आजकल तो फोन में हेडफोन नहीं मिलते, वो बाहर से हम बाय कर लेते 500-600 जिसका भी बाय कर लेते, मुझे लगता है यार उसको इसमें भी यूज कर ले, लेकिन वहां तो पूरा गायब ही कर दिया। पर एक्चुअल दिक्कत भी हो जाती है अडाप्टर कहाँ तक घूमते फिर हो लेके, लेकिन इसमें डैक लग जाता है जो एक एक्चुअली हार्डवेयर सा होता है वो, क्योंकि इसके USB-C से ना ऑडियो आउटपुट आता है, तो उसको लगा के ऑडियो क्वालिटी बहुत तगड़ी हो जाएगी अगर लाइक बहुत ही हाई क्वालिटी के ऑडियो इक्विपमेंट यूज़ कर रहे हो आप तो। अरे यार ये बताओ फास्ट चार्जिंग, पता नहीं मुझे एक मजाक इसमें ये लगा कहने के लिए तो यहाँ पर फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है, लेकिन बॉक्स में नहीं मिलता ना फास्ट चार्जर? नहीं बॉक्स में फास्ट चार्जर नहीं है ये क्यों? और यार पैसे बचाने के लिए कुछ तो करना ही था कंपनी को। लेकिन यार ऑनर का फोन यार मेरे को काफी इंप्रेसिव लगा, पता नहीं इतना सस्ता कैसे कर दिया उन्होंने, क्योंकि परफॉर्मेंस भी इसकी लाइक एकदम टॉप एंड वाली है। तूने गेम खेली हो देखी होगी? पबजी मैंने खेली है भाई, मतलब एकदम फ्लैगशिप लेवल वाली परफॉर्मेंस देता है इसमें, और MI A2 में लाइक 660 के हिसाब से भी हल्की सी कम लगी मेरे को परफॉर्मेंस। तो यार तुम पबजी के बहुत बड़े शौकीन हो, ये बता दो यार पबजी यदि हमें खेलना है ना तो कौन सा फोन अच्छा है? यार पबजी या कोई भी गेम खेलनी है ना ऑनर प्ले आंख बंद करके ले लो, क्योंकि ऑनर प्ले की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, 20,000 के प्राइस पॉइंट के हिसाब से बहुत ही तगड़ी है। और जैसे अभी फोर्टनाइट भी रिलीज होने वाली है ना, मेरे को नहीं लगता 20,000 के काफी ज्यादा फोन्स में आ रही है, लेकिन ऑनर प्ले में उन्होंने अवेलेबल कर दी है, तो डेफिनेटली यार काफी कंपनीज भी सपोर्ट कर रही है इसको जो गेम वाली है,
तो गेम खेलनी है तो आंख बंद करके ले लो, अंडरटेक बहुत तगड़ा। और कुछ स्पेशल इन दोनों फोन में जो तुम्हें इस फोन में लगता हो है उसमें नहीं है? एक्चुअली परफॉर्मेंस में इन दोनों फोन्स में हल्का सा और ज्यादा फर्क इसलिए देखने के लिए मिलता है क्योंकि MI A2 में EMMC स्टोरेज है और Honor Play में UFS 2.1 स्टोरेज है। अगर जिसको लाइक टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस में आता है इंटरेस्ट नहीं है तो इसमें जो स्टोरेज है वो बहुत ही अच्छी क्वालिटी की है और ये फ्लैगशिप लेवल वाली स्टोरेज है इसलिए परफॉर्मेंस ज़्यादा बेटर रहती है और लाइक स्नैपी भी ज़्यादा है फ़ोन, मस्त ऐप आप भी मस्त खुलते हैं, गेम भी भाई हेडशॉट खा के नहीं मरोगे तुम, छुपुक जाओगे उससे पहले। तो यार एक चीज और कटी है MI A2 में, हाइब्रिड सिम स्लॉट यार वो भी काट दिया। मतलब यदि हमारे पास वो है एक मेमोरी कार्ड है उसे भी लगाना है वहां पर, वो भी ऑप्शन नहीं है यार। मेरे को ना एक्चुअली लगता है कि ये प्रीमियम फोन बनाना चाह रहे थे MI वाले, बट इनको मिड लेवल में लगा कि लाइक नहीं हम तो भाई मिड रेंज ही बनाते हैं तो सारे जो उसमें कमियां होती है ना फ्लैगशिप फोन की वो सारी मिड रेंज फोन में डाल दिया इन्होंने। हाइब्रिड सिम स्लॉट भी हटा दिया है, हेडफोन जैक भी हटा दिया है, बट इसको भाई बना मिड रेंज फोन दिया तो ठीक है यार। अब मैं इतना जज नहीं करूंगा कंपनी को, बट स्टिल यार ये सारी चीज़ें एसेंशियल होती हैं यार मिड रेंज ब्रैकेट में तो डेफिनेटली, क्योंकि सब यार अपना माइक्रो एसडी कार्ड तो लगाएंगे ही अपना डुअल सिम। भाई मुझे एक चीज़ ये बता दो, हर एक फोन में आजकल फेस अनलॉक और फिंगरप्रिंट आता है, क्या उस फोन में दोनों चीज़ें है? इस वाले में ना यही दिक्कत लगी मेरे को, लाइक फ्रंट में इतना बड़ा पैनल तो दे रखा है और इधर छेद भी हैं काले काले, मेरे को लगा बड़ी तगड़ी फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी होगी आईफोन वाली, आईफोन जैसे फीचर तो डाल रखे ना जैसे, बट यार ऐसा कुछ भी नहीं है इसमें। फेस अनलॉक तो लिटरल है ही नहीं, Xiaomi ने अपना वाला तो डाला ही नहीं है, जो गूगल वाला है वो मतलब अच्छे से काम भी नहीं करता है, तो मैं बोलूंगा इसमें फेस अनलॉक है ही नहीं। और Honor Play में काफी तगड़ा काम, अरे भाई Honor Play का फेस अनलॉक फिंगरप्रिंट दोनों ही तगड़े हैं। अच्छा एक चीज और उसमें है कि उसमें वो जो गूगल का पूरा एंड्रॉयड का एक्सपीरियंस कैसा रहता है यार? मेरे को तो सही लगा, कैसा है UI? अच्छा लगा मेरे को, एकदम स्टॉक एंड्रॉयड है। और इसमें एक फायदा रहेगा, अपडेट्स बढ़िया आएंगे क्योंकि भाई सपोर्ट करता है गूगल भी थोड़ा बहुत, और लाइक सॉफ्टवेयर ऑप्टिमाइजेशन ठीक ठाक है, 100p हो सकता है आज इसमें फटाफट। और गूगल कैमरा पता नहीं, गूगल कैमरा मैं चला के नहीं देखा, नहीं चला के देखा अभी तो मतलब आया नहीं है, आया नहीं है, पोर्ट नहीं हुआ है। गूगल कैमरा को थोड़ा टाइम लगता है, वो जुहार से डालते हैं ना लोग। अच्छा वो एक्चुअल लाइक गूगल ने खुद थोड़ा रिलीज करा इस फोन के लिए। तो मतलब ये फोन है कि नहीं है, लेना चाहिए? यार मैं ऑनेस्टली बताऊँ इस फोन को कैमरे के लिए आप डेफिनेटली कंसिडर कर सकते हो क्योंकि इसका कैमरा एक्चुअली बहुत अच्छा है लाइक मिड रेंज प्राइस ब्रैकेट में, बट परफॉर्मेंस के लिए मैं बोलूँगा इसको वर्थ नहीं है फ़ोन। और परफॉर्मेंस के लिए भाई आँख बंद करके Honor Play ले सकते हो, और इसको कैमरे के लिए तो लेकिन सिंपल डिसीजन है, अगर परफॉर्मेंस और ओवरऑल अच्छा फ़ोन चाहिए तो Honor Play, और कैमरा सेंट्रिक फोन चाहिए आपको यूट्यूब वीडियोज़ बनानी है, ऐसा कुछ टाइम पास करना है, सेल्फी खींच के म्यूजिक भी डालनी है तो ये। और बस काम चलाने के लिए परफॉर्मेंस चाहिए, काम चलाने के लिए स्नैपड्रैगन ठीक ठाक देता है परफॉर्मेंस, स्नैपड्रैगन 660 तो ये ले सकते हो। अच्छा श्लोक भाई एक क्वेश्चन ये है कि इसी प्राइस में आ जाता है 15,000 रुपए में Redmi Note 5 Pro, ठीक है 17,000 का Mi A2 आ जाता है, Mi A2 जो अभी लॉन्च हुआ है, उसके साथ साथ 20,000 रुपए में ये Honor का Play आ जाता है, और 15,000 रुपए में एक फोन और है Zenfone Max Pro 6GB वाला, थोड़ा सा बता दो क्योंकि बहुत सारे लोग ये पूछते हैं कि यार इन चारों डिवाइस में किस फोन को हम लें यदि गेम खेलना है कुछ भी करना है। देखो अगर 15,000 के अराउंड का प्राइस ब्रैकेट है ना तुम्हारा तो डेफिनेटली गेम खेलने के लिए Asus Zenfone Max Pro 6GB वाला, उसमें ऑलमोस्ट इसके बराबर आपको परफॉर्मेंस देखने के लिए मिल जाएगी क्योंकि उसमें ऑप्टिमाइजेशन बहुत अच्छी है, ठीक है। लेकिन अगर कैमरे से फोटोज खींचने के लिए लेना है तो Redmi Note 5 Pro और इसमें से आप दोनों में से कोई सेलेक्ट कर सकते हैं क्योंकि इन दोनों फोन्स में लाइक इसमें थोड़ी सी बेटर है Redmi Note 5 Pro से, बट इसमें थोड़ी दिक्कत भी है, इसमें थोड़ा और खर्चा हो जाएगा आपका, ईयरफोन लेने पड़ेंगे तो, और फास्ट चार्जर भी आपको खरीदना पड़ेगा, तो ये 20,000 का ही पड़ जाएगा फोन। तो 15,000 के अराउंड का लेना है तो कैमरे में मैं बोलूँगा Redmi Note 5 Pro ले सकते हैं आप, Zenfone भी बहुत अच्छा ऑप्शन है, उसका कैमरा में भी डिटेल काफ़ी ज़्यादा है, और अगर गेम खेलना है तो Zenfone ले सकते हैं। गेम खेलना है तो पक्की बात Zenfone लेना, उसमें भाई परफॉर्मेंस काफ़ी तगड़ी है। और इसमें अगर 20,000 के अराउंड प्राइस ब्रैकेट में आपको परफॉर्मेंस के लिए चाहिए तो भाई Honor Play, और अगर कैमरे के लिए चाहिए तो MI A2। मतलब यार आज पूरा का पूरा बता दिया दोनों फोन में 20,000 में थी हमारा बजट। एक मिनट में मैंने पूरा क्लियर करने की कोशिश करी इसमें भाई सबका निकल जाएगा, पैसे बचा लूंगा तुम्हारे, थैंक्स सब्सक्राइब कर देना इसी बात पे। यार मुझे लग रहा है कि सारे के सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। हाँ यार कोशिश तो पूरी करी थी, अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो डालना कमेंट सेक्शन में और कोशिश करेंगे उसको रिप्लाई करेंगे। और भाई के चैनल का जो लिंक है ना वो नीचे डिस्क्रिप्शन में, फटाफट जाओ और भाई के चैनल को ताबड़तोड़ तरीके से सब्सक्राइब कर लो, घंटा वाला था कुछ दबाना है। और भाई इसके चैनल को तो कर ही चुके हो और जो मेरे चैनल से आ रहे हैं वो भी कर दो, इसको मजा आ जाएगा थोड़ा सा। तो भाई सब लोग घंटा दबा दे, कहते हाँ हाँ भाई घंटा घंटा सब दबा दो यार। चलो भाई पूरा दबोच के हिला दो, ऐसा कर दो। चलो भाई मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू, जय हिंद।